मनाली से केवल 2 घंटे का सफर करके आप पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश की बेहद ही खूबसूरत वैली लाहौल। लाहौल वैली फेमस है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड लेक्स के लिए, और ये साथ ही में घर है कई सारे ग्लेशियर्स और हाई माउंटेन पासेस का, जिनमें से रोहतांग और कुंजम पास काफी पॉपुलर है। लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो साइज में वैसे तो दिल्ली के बराबर है, पर यहाँ की पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन के केवल 1% है। और ये 1% पॉपुलेशन बसती है लाहौल के दूर दराज के गाँव में, जहाँ आपको कमाल का बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है। और ये गांव इतने रिमोट हैं कि विंटर्स में यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ लाहौल के एक ऐसे ही विलेज कोक्सर, जिसे गेटवे ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से शुरू होती हैं लाहौल की खूबसूरत वादियाँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की मदद से लाहौल के इस खूबसूरत विलेज तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ होटल्स और होमस्टेज की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, यहाँ आपके एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं, और आप कैसे इस ट्रिप को एक बजट फ्रेंडली और यादगार ट्रिप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कोक्सर विलेज 10,300 फीट की ऊंचाई पर है, जो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं से कभी भारत को एशिया से जोड़ने वाला सिल्क रूट गुजरा करता था। विंटर्स में ये विलेज बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है, और चिनाब नदी के ऊपर बर्फ की एक इतनी मोटी परत जम जाती है कि उस पर यहाँ के लोग और पालतू जानवर चलकर नदी क्रॉस कर लेते हैं। और विंटर्स में यही विलेज लाहौल का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड विलेज बन जाता है। कोक्सर में जो सबसे पहली जगह एक्सप्लोर करने के लिए है वो है यहाँ की 800 साल से भी ज्यादा पुरानी डिम्पुक मॉनेस्ट्री, जिसे पहाड़ की एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। मॉनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको ब्रिज से एक छोटा सा ट्रैक करना होता है, जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, और यहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं गांव की एक स्लो लाइफ। इस गांव में केवल 20 फैमिलीज रहती हैं, जिनकी पॉपुलेशन 100 से भी कम है, और यहाँ की ज्यादातर फैमिलीज एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। ये अपने खेतों में आलू और मटर की खेती करते हैं और इन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पर जैसे जैसे हिमाचल में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, यहाँ के लोगों ने अपने घर में होम स्टेज भी खोल लिए हैं। इसके अलावा गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर और एक HPWD का गेस्ट हाउस है। गांव से निकलते ही कुछ देर और चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं डिम्पुक मॉनेस्ट्री। डिम्पुक मॉनेस्ट्री को 12th century में तिब्बत के कुछ मॉन्क्स ने बनाया था। बुद्धिज्म में डिम्पुक का अर्थ होता है अबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ शांति निवास करती है। और सही में जब आप मॉनेस्ट्री में एंटर करते हो तो आपको इसके नाम का सही अर्थ पता चलता है। ये एक ट्रिपल स्टोरी मॉनेस्ट्री है, जो तिब्बतन और इंडियन आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इसके वाइब्रेंट कलर की वजह से आप इसे काफी दूर से देख लेते हैं, और इसकी जो यूनिक लोकेशन है इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है, और इसीलिए ये फोटोग्राफर्स की एक पसंदीदा जगह है। मॉनेस्ट्री से आपको ठीक सामने एक मल्टी स्टेप वाटरफॉल दिखाई देगा, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ब्रिज के दूसरी तरफ से एक छोटा सा ट्रैक दोबारा करना होता है। तो ये है माता कोक्सर, जिनके नाम पे ये विलेज का नाम पड़ा हुआ है, तो ये उनका मंदिर है। ट्रैक के स्टार्टिंग में ही कोक्सर माता का एक मंदिर है, जिनके नाम पर इस विलेज का नाम रखा गया है। कोक्सर का अर्थ होता है एक विशाल पहाड़ी मैदान। तो भाई, हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ से हमें कोई रास्ता दिख तो नहीं रहा है, बट खुद ही रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं। बहुत बड़ा यार, बस बाहुबली वाले वाटरफॉल से थोड़ा छोटा है। कुछ देर ट्रैक करने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से आप इस वाटरफॉल को काफी करीब से बहते हुए देख सकते हैं, और इसके आवाज के सामने बाकी की सारी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं।
कोक्सर विलेज एक रूट सेंटर है जहाँ से एक रास्ता आपका रोहतांगला पास की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जाता है चंद्रताल लेक को। और कोक्सर विलेज इन दोनों की ही नियरेस्ट इनहेबिटेड विलेज है। इसके बाद आपको ना तो कोई होटल मिलता है और ना ही मोबाइल का नेटवर्क। रोहतांगला पास एक हाई माउंटेन पास है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ जाने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत होती है जिसके लिए आप ऑनलाइन www.rohtangpermits.nic.in में एक दिन पहले अप्लाई कर सकते हो। और ये परमिट आपका कोक्सर विलेज में ही चेक किया जाता है और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। और यहाँ आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि रोहतांग पास ट्यूजडे के दिन मेंटेनेंस वर्क के लिए क्लोज रहता है। इसके अलावा आप वीक में किसी भी दिन यहाँ विजिट कर सकते हो। कोक्सर से रोहतांग पास की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। कोक्सर विलेज से चंद्रताल की दूरी है लगभग 70 किलोमीटर और इसके लिए आपको काजा वाले रूट से निकलना पड़ता है। अभी इस रूट पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और ज्यादातर रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, पर तब भी हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट चंद्रताल को देखने जाते हैं। चंद्रताल लाहौल की सबसे शानदार लेक है जो 14,100 फीट की ऊंचाई पर है और ये लेक हर ट्रेवलर्स और बैकपैकर के बकेट लिस्ट में रहती है। चंद्रताल विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम जून से सितंबर होता है और बाकी के मंथ्स यहाँ हैवी स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से रूट बंद कर दिया जाता है। चंद्रताल से ही चंद्रा नदी का उद्गम होता है जो आगे जाकर बागा नदी से मिल जाती है और यहाँ से ये बन जाती है चिनाब जो आगे जाकर कोक्सर विलेज से होकर गुजरती है। कैंपिंग और बोनफायर करने के लिए चंद्रताल एक परफेक्ट जगह है। लेक से जस्ट 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप है जहां आपको कैंपिंग फैसिलिटी मिल जाती है और आप चाहें तो यहां खुद की कैंपिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आप कोक्सर विलेज पहुंच कैसे सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आप भारत के किसी भी बड़े शहर से चंडीगढ़ तक की ट्रेन ले सकते हैं और फिर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपको जाना होता है सेक्टर 43 बस स्टैंड जहां से आपको मनाली के लिए हर आधे से 1 घंटे में डायरेक्ट बस सेवा मिल जाती है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी है लगभग 275 किलोमीटर। HRTC की ऑर्डिनरी बस का फेयर है 550 से 600 रुपये और हिमसुता वॉल्वो का फेयर है 950 से 1,000 रुपये तक। बस आपको 7 से 8 घंटे में मनाली पहुंचा देती है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से भी मनाली के लिए डायरेक्ट बस सेवा है जो 800 से 1500 रुपए तक टिकट लेकर आपको 11 से 12 घंटे के अंदर मनाली पहुंचा देती है। अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ से मनाली तक टैक्सी भी कर सकते हैं जो एक तरफ का आपसे 3,500 से 4,500 तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको भुंतर में मिलता है जिसकी दूरी मनाली से केवल 50 किलोमीटर है, पर भुंतर तक काफी कम फ्लाइट होने की वजह से चंडीगढ़ ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बसता है। मनाली SBT से कोक्सर विलेज तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं जिसका रेंट पर डे 800 से 1,500 रुपए तक हो सकता है। और दूसरा आप या फिर कैब बुक कर सकते हैं जो आपको पर डे 2,000 से 3,000 रुपए तक पड़ जाती है। और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो मनाली बस स्टैंड से आपको कोक्सर के लिए लोकल HRTC बस भी मिल जाती है। और इसके अलावा आप काजा की बस भी ले सकते हैं जो हर सुबह मनाली बस स्टैंड से 6 बजे निकलती है और अटल टनल क्रॉस करके आपको कोक्सर विलेज में उतार देती है। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर कि आप कोक्सर विलेज में स्टे क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विलेज की ही कई फैमिलीज घर में ही होम स्टेज चला रहे हैं जो 800 से 1000 रुपए में आपको डबल बेडरूम दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर HPWD का एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ आपको एडवांस में बुकिंग करनी होती है और इसकी बुकिंग आप www.hppwd.hp.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके कोक्सर विलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 घंटे के अंदर हम आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।